गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने अपना ये लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था ना, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना कहे ही सब कुछ कह बोल देना। तो वही चैप्टर आज हमारा हालांकि वो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा उसमें एक स्टोरी बची है स्क्वायरल वाली, तो स्क्वायरल वाली कंटिन्यू करके वो चैप्टर हमारा आज से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओपन एट पेज नंबर 50। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ हैंड मूव्स दिखाए हुए हैं कि हाथों से मूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, हाथों से हम कौन कौन से एक्शन कर सकते हैं और सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए ऐसे कली जैसे लग रहा है ना, फ्लावर बर्ड, जो फूलों की कली होती है, देखिए कैसे साइन ऐसे बनाया हुआ है ना साइन फर्स्ट वाले में, तो ये फ्लावर बर्ड हो गया, है ना, फूलों की कली होगी। सेकंड में देखिए कैसे एकदम खिला हुआ है हाथ का मूवमेंट, देखिए कैसे, तो वो फ्लावर जैसा है, जैसे अब कली जो है वो पूरी तरह क्या हो चुकी है, खिल चुकी है। देन थर्ड वन देखिए कैसे बनाया हुआ है, उसमें ऐसे तीनों फिंगर करके ऐसे किया हुआ है ना, ये स्नेक के हिसिंग का मतलब, स्नेक जैसे अपना मुँह खोलता है उस टाइप का साइन बना रहा है ना। और फिर उसके बाद देखिए मछली वाला ऐसे साइन बना हुआ है ना, तो ये कौन सा साइन है, फिश का, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड और फोर्थ ये हमारे हैंड मूवमेंट हो गए, ओके, जिसे कि मुद्रा कहा जाता है। ओके, नाउ ओपन एट पेज नंबर 51। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस, इन पिक्चर्स को देखिए और गेस कीजिए, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस। तो देखिए आप खुद से इन पिक्चर्स को देखे खुद आपको स्टोरी बनानी है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है ना। देखिए आपको सबसे पहले एक स्क्वायरल छोटी सी दिख रही है ना, प्यारी सी स्क्वायरल दिख रही है, वो भी देखिए कैसे पेड़ की शाखाओं पे बैठी हुई है ना, खेल रही है। उसके बाद सेकंड में देखिए क्या कर रही है, अभी देखिए छोटी सी स्क्वायरल खाना भी बना रही है ना, इसको खाना बनाना भी आता है, देखिए कैसे खाना बना रही है उछल कूद कर करके, है ना। फिर खाना बनाते बनाते इसको मज़ा आने लगा, देखिए थर्ड पिक्चर में तो ये डांस करने लगी खाना बनाते बनाते, है ना, कितनी प्यारी लग रही है। फिर देखिए पिक्चर फोर पे देखिए, अब वो खाना बना रही है, डांस भी करी, डांस करते करते कुछ खाना गिर गया होगा, तो वहाँ देखिए कौवे आ गए हैं खाने को देख के, कौओं के पीछे पीछे छोटे छोटे चूहे भी आ गए हैं ना। तो इस तरह की स्टोरी आप बना सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ से हमारा जो है लेसन नंबर 7 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं हैं, बट कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम आज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओपन एट पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पे हम खोलते हैं, ठीक है ना, पेज नंबर 45। दो तीन क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, ओके, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। जो भी जो क्वेश्चंस आंसर बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके अपना लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, साथ साथ में कॉपी कंप्लीट करते रहिएगा। ओके, चलिए वर्ड मीनिंग अब मैंने आपको कुछ भेज दी थी ना, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 45 में एकदम नीचे देखिए ब्लू ब्लू डॉट से जो बना है, इसमें लिखा है, हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शन। कभी आपने किसी भी इन बच्चे को या किसी इंसान को अपने एक्शन के थ्रू बात करते हुए देखा है, मतलब वो गूंगा हो और वो हाथों से ऐसे इशारे करके बात कर रहा है, क्या आपने कभी देखा है? अगर देखा है तो बताइए, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, हैव यू एवर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर सीन एनी वन, क्या आपने कभी भी किसी को टॉकिंग थ्रू एक्शन, किसी को एक्शन के थ्रू बात करते हुए देखा है, टॉकिंग थ्रू एक्शंस, टॉकिंग थ्रू एक्शंस, किसी को भी आपने हाथों के थ्रू या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हुए देखा है? अगर देखा है तो बताइए। सॉरी, चलिए फर्स्ट क्या है तो आप क्या लिख सकते हैं, यस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शन, जो लोग गूंगे होते हैं वो लोग एक्शन के थ्रू बात करते हैं, है ना। तो चलिए यस, इसमें क्या लिखेंगे, यस, डम पीपल मीन्स क्या होता है, गूंगे लोग, जो लोग हु इज़ नॉट एबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकते उन्हें डम कहते हैं, है ना, यस, डम पीपल, यस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, टॉक थ्रू
एक्शंस, ठीक है। जो गूंगे लोग होते हैं वो अक्सर हाथ हिला के या अपनी आंखों के एक्सप्रेशन से, फेशियल फेस के एक्सप्रेशन से सामने वाले को अपनी बातें समझाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, लोगों को कब एक्शन के थ्रू बात करने की ज़रूरत पड़ती है। जब वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, तब उनको अपने एक्शन के थ्रू बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तब वो अपने हाथों से इशारा करके कि मुझे खाना खाना है, मेरा पेट दुख रहा है, ना। जब हम बोल नहीं सकते तब हम इशारा करते हैं। ओके, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, लोगों को एक्शन के थ्रू बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो आंसर नंबर टू क्या डालेंगे, इसमें लिखेंगे पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस, वो लोग जो नहीं बोल सकते हैं, पीपल Who cannot speak, who can not speak, people who cannot speak need to talk like this, need to talk like this। जो लोग नहीं बोल सकते उन्हें ही इसी इस तरीके से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए ये दो क्वेश्चन हो गए, पेज नंबर 45 के हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं, इनको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, तो पेज नंबर 45 के हमारे हो चुके हैं। अब देखिए पेज नंबर 46 में कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, पेज नंबर 47 में कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो अब हम आते हैं पेज नंबर 48 में। कहाँ आते हैं हम लोग, पेज नंबर 48 में। ओके, इसके बाद चलिए यहाँ पर आप डालेंगे, मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पेज नंबर 48, आपको डालना है या नहीं डालना वो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड डाल के कर सकते हैं। ओके, मैं तो इसलिए यहाँ डाल रही हूँ जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन ढूंढने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। एक देखिए दो बच्चे बने हुए हैं ना, लिखा है पेज नंबर 48 में लिखा है द फेस इज़ अ मिरर, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है ऑब्जर्व चिल्ड्रेन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस themselves। आप 6 से 8 महीने के बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपके एरिया में कोई छोटा बच्चा है 6 से 8 महीने का, तो ऑब्जर्व करिए वो अपनी बातों को कैसे बता पाते हैं अपनी मम्मी को या पापा को, है ना, कि उनको भूख लगी है, उन्हें दर्द हो रहा है, वो किस तरीके से बातें अपनी एक्सप्रेस करते हैं, है ना। चलिए तो ये करते हैं, क्वेश्चन आप लिख लेंगे ना, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के भी सुना दिया है तो आप ही लिख सकते हैं ना, बता दिया है मैंने पेज नंबर 48 में है, ऑब्जर्व चिल्ड्रेन ऑफ अबाउट 6 to 8 months, है ना ये क्वेश्चन, तो आप कर लीजिएगा। मैं स्टार्टिंग का लिख देती हूँ, स्टार्टिंग का मैं लिख देती हूँ, मगर बाकी पूरा क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। ऑब्जर्व चिल्ड्रेन बस मैं इतना लिख रही हूँ, आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये नहीं कि बस मैंने इतना लिखा तो आप भी इतना लिख दें, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। ओके, चलिए मैं केवल आंसर लिख रही हूँ, आंसर नंबर थर्ड कि 6 से 8 महीने के बच्चे अपनी बातों को कैसे बताते हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, लिखिए अबाउट सिक्स टू एट मंथ्स चिल्ड्रेन एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन को और क्या कहा जाता है, भाव कहा जाता है ना, हमने पढ़ा था,
ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड्स मूवमेंट एंड हैंड्स हाथों की मूवमेंट से एंड हैंड्स मूवमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि 6 से 8 महीने के बच्चे किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अबाउट 6 to 8 months चिल्ड्रेन एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड्स मूवमेंट। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 question answers आपके मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अब जो है जो आगे के क्वेश्चन आंसर्स है वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें अब इसमें जो भी बचे हैं ना 1-2 question, क्योंकि ड्राइंग है तो ड्राइंग तो आपको खुद करने की किसका क्या एक्सप्रेशन आता है, गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है ना, तो वो आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं कर रही हूँ सॉल्व, ठीक है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।